हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप व्हाट्सएप में किसी भी ऑडियो को प्ले करके अगर सुनने की कोशिश करते हो तो फ्रेंड्स आपके मोबाइल की स्क्रीन ऑफ हो जाती है। अगर दोस्तों आपके साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा सोल्यूशन बताऊँगा, आप अपनी इस प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हो। दोस्तों ऐसा हो जाता है जब भी आप किसी ऑडियो को प्ले कर देते हो तो आपके मोबाइल की स्क्रीन बंद हो जाती है। जब ऑडियो आपकी ख़त्म हो जाती है तो उसी के बाद आपका स्क्रीन ऑन होता है। दोस्तों अगर आपके साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपके व्हाट्सएप में तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत आसान सेटिंग बताऊँगा जो आपको अपने मोबाइल में कुछ सेटिंग करनी है, फिर इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आने पर एक लाइक भी जरूर कर देना। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सही करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद फ्रेंड्स अब यहां आपको ऊपर सर्च करना है कॉल सेटिंग, जैसे कि मैं आपको यहां बता देता हूं कॉल सेटिंग। दोस्तों आपको यहां पर इस तरह से सर्च करना है कॉल सेटिंग। दोस्तों मैं आपसे सर्च करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, हर मोबाइल की सेटिंग दोस्तों अलग अलग होती है, तो आप अगर सर्च करके कॉल सेटिंग को ढूंढोगे तो ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से सर्च करने के बाद आपको यहाँ कॉल सेटिंग वाला ऑप्शन सबसे ऊपर ही देखने को मिल जाता है, इस पर चले जाना है। इस पर जाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ ये जो ऑप्शन मिल जाता है इनकमिंग कॉल का, दोस्तों आपको ये पाँचवें नंबर पर मिल जाता है, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप दोस्तों यहाँ आपके सामने कुछ इस तरीके के ऑप्शन आ चुके हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक सेटिंग अपने मोबाइल में ऑफ करनी है जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो प्रॉक्सिमिटी सेंसर, आपको इसको यहाँ से बंद कर देना है। बंद कर देने के बाद दोस्तों आपको जो ये प्रॉब्लम आ रही थी तो इस बटन को बंद करने से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और दोस्तों अगर इसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम सही नहीं होती है आपको दोस्तों अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर व्हाट्सअप टाइप करके सर्च कर देना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आके व्हाट्सअप में चेक करना है कहीं आपके व्हाट्सएप में अपडेट तो नहीं आ रहा। अगर दोस्तों अपडेट आ रहा है आपके व्हाट्सएप में तो आपको अपना व्हाट्सएप अपडेट करना होगा। उसके बाद दोस्तों अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सही नहीं होती है तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कर देना है, यानी कि मोबाइल को स्विच ऑफ करके फिर से ऑन कर देना है। दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर दोस्तों फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आप हमसे बता सकते हो। दोस्तों इंस्टाग्राम का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दोस्तों अगर आप हमारे और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में बेल बटन को दबा के ऑल प्रेस भी कर सकते हो।